नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमन अग्रवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन सूरत से। और मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूं कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं। कई बार हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट समझ के उनको, या स्किन स्पेशलिस्ट समझ के, हेयर स्पेशलिस्ट समझ के, और एक्चुअली वो नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में मैं जस्ट ये डिस्कस करने जा रही हूं कि अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहते हैं तो कैसे पहचानें कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या नहीं। सबसे पहले ये समझना है कि अलग अलग पैथीज होती है। जो एलोपैथी, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, वो एक्चुअली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। मतलब जो भी चीजों का प्रूवन है स्टडीज में, हर तरह की स्टडीज, बहुत तरह की स्टडीज की जाती है, और जब प्रूव हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब इलाज करने का कोई पर्टिकुलर तरीका, पर्टिकुलर दवाई सक्सेसफुली इस बीमारी को ट्रीट कर सकती है और उसके साइड इफेक्ट बीमारी के जो परिणाम है उनसे कम है या सीरियस नहीं है, तभी वो अप्लाई की जाती है और तभी वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। तो एलोपैथी, जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तो आजकल नेचुरल बेस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी एलोपैथी में यूज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथी मतलब केमिकल्स। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो मॉडर्न साइंस है। तो आप कौन से फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, ये आपको पहले डिसाइड करना है। अगर आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो वो एक अलग तरह की मेडिकल साइंस है। अगर आप ये मॉडर्न मेडिकल साइंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें आपको त्वचा, बालों या स्किन हेयर लेजर्स के लिए जो डॉक्टर को मिलना चाहिए वो होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। आप कैसे पहचानेंगे कि पर्टिकुलर डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट है कि नहीं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ट्राइकोलॉजिस्ट नाम से जो डिग्री है वो एक ऑथेंटिक डिग्री नहीं है, सर्टिफाइड डिग्री नहीं है। बेसिकली जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनकी डिग्री ये होती है, MBBS उनकी बेसिक डिग्री होती है, ग्रेजुएशन डिग्री होती है। मतलब जो 12th के बाद ग्रेजुएशन कोर्स किया जाता है, सबसे पहला कोर्स जो 4.5 से 5 साल में MBBS का बेसिक कोर्स होता है, और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो करीब 5.5 से 6 साल लगते हैं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर होता है। तो MBBS बेसिक डिग्री है, उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 मेन फॉर्मेट्स में होती है, डिप्लोमा कोर्स एंड डिग्री कोर्स, बोथ आर गुड। जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसकी डिग्री का नाम होता है DVD, DDVL, DVL। तो D स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी, V से वेंड्रोलॉजी मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कंडीशंस होती है, L से लेप्रोलॉजी मतलब लेप्रोसी। MD जो डिग्री वाला पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसको बोलते हैं MD इन डर्मेटोलॉजी। देखिए कई बार होता क्या है, किसी ने डॉक्टर जो नाम के आगे डॉक्टर लगता है उसके मेडिकल काउंटर पार्ट कोई भी मेडिकल साइंस में अगर बंदा ग्रेजुएट है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। कई बार उसके आगे कई तरह की डिग्रीज मेंशन होती है जो बेसिकली फेलोशिप्स या कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज हो सकते हैं, इंडिया के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, और कई बार ब्रैकेट में USA या दूसरी कंट्रीज के नेम भी लिखे होते हैं, जो कि हमें भी बीइंग अ डॉक्टर हमें भी सब डिग्रियों के नाम नहीं पता होते हैं। तो इन गिमिक्स के चक्कर में मत फंसिए, चाहे आगे कितनी भी डिग्रियों के नाम हो लेकिन अगर ये बेसिक डिग्रीज नहीं है, MBBS, DVD, DVL, MD डर्मेटोलॉजी, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, ये जरूर चेक करिए। दूसरा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर चेक करिए। कोई भी डॉक्टर होता है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसके पास जरूर होता है जो उनको सर्टिफिकेट देते हैं मेडिकल प्रैक्टिस करने का। तो हमेशा एक रजिस्टर्ड जो नंबर है वो चेक करिए। जो भी मॉडर्न साइंस के प्रैक्टिशनर है वो हमेशा आपको रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन देंगे। कभी भी वो आपको रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन दिए बिना अपने पास से कोई दवा या कोई क्रीम या ऐसा नहीं देंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर कोई डॉक्टर आपको रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए विलिंग नहीं है या नहीं देना चाह रहा है तो ये रिस्की हो सकता है दो वेज में। एक तो आप नहीं जानते कि उन्होंने आपको जो दिया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। अगर मेरे पास डिग्री है तो मेरे को कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जो दे रही हूँ वो जेन्युइनली उस प्रॉब्लम के लिए अच्छी चीज है, इलाज का एक फॉर्मेट है, और मुझे लिख के देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये हो सकता है, अगर वो लिख के नहीं दे रहे हैं और आपको वो इलाज के दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है, दो कैटेगरी की हो सकती है, एक उसका जेन्युइन साइड इफेक्ट हो सकता है, एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली किस ट्रीटमेंट की वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो अपनी त्वचा, अपने बालों का ध्यान रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सही डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरी बात, त्वचा, बाल शरीर का ही हिस्सा है तो कभी भी इनको सुपरफिशियल होने के चलते इग्नोर मत करिए। ये मत सोचिए कि ये तो
ऊपर ऊपर की सतह है तो हम किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, स्पेशलिस्ट को दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है। ये ध्यान रखिए कि कभी कभी हो सकता है आप जिसको डर्मेटोलॉजी या स्किन की एकदम नॉर्मल सी कंडीशन समझ रहे हैं, वो आपकी अंदरूनी किसी मेजर तकलीफ का एक साइन हो सकता है, या आपके अंदर से सेहत में कुछ गड़बड़ या तकलीफ हो रही है उसका एक साइन हो सकता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के अपना कंसर्न डिस्कस करिए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, उनसे इलाज लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर किसी टॉपिक पे मुझसे जानकारी चाहते हैं, स्किन के बारे में, हेयर के बारे में, लेजर्स के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में या स्किन सर्जरीज के बारे में, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या सैटरडे 1 to 2 PM के बीच में मैं लाइव होने की ट्राई करती हूँ, उस टाइम आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।